फर्क केवल एक है कि एक व्यक्ति ने अपने समय का बंटवारा ठीक से कर लिया, इसी समय में बहुत अधिक कुछ कार्य किए जा सकते हैं। ये एक समझें आपके एक विधि है कि कहां समय को अधिक निवेश किया जाए, कहां से समय को बचा करके दूसरे खाने में रखा जाए। क्या आपने इस और कभी ध्यान दिया है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे अलग अलग कार्यों को कर पा रहा है, अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रख पा रहा है, परिवार के लिए भी समय है उसके पास और अपने लिए भी समय है, इसी 24 घंटे का प्रयोग करते हुए वो इतना सारा कुछ कर रहा है। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे पास समय ही नहीं है, ना उसके पास अपने कार्यों के लिए समय मिल पाता है उसे ठीक प्रकार से, ना ही वो स्वास्थ्य को अच्छा रख पा रहा है, ना ही उसका परिवार संतोषयुक्त है, उनकी आवश्यक की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है और भविष्य के लिए भी कोई स्पष्टता नहीं है। यहां पर ये क्यों हो पा रहा है ये समझ लेना जरूरी है। अब ये नहीं कह सकते कि उनमें बहुत बड़ी बौद्धिक क्षमताओं का या प्रतिभाओं का योग्यताओं का फर्क है। फर्क केवल एक है कि एक व्यक्ति ने अपने समय का बंटवारा ठीक से कर लिया और उसने ये समझ लिया कि कहां पर समय को लगाना है और कहां से समय को बचाया जा सकता है। अगर आपने भी ये समझ लिया तो इसी समय में बहुत अधिक कुछ कार्य किए जा सकते हैं। ये हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि इसी समय को ठीक से व्यवस्थित करके अलग अलग बहुत सारे कार्यों को अच्छे से संपादित किया जा सकता है। आज हम आपके साथ एक मॉडल साझा करेंगे जिसके माध्यम से आप 5 हिस्सों में अपने समय को बांट लेंगे और आप अलग अलग देख सकेंगे कि कहां पर समय जा रहा है, कहां से बचाया जा सकता है और वो क्या कार्य हैं जहां पर अगर आप अपने समय को निवेश करते हैं तो आप 100% समझ लें कि जीवन में सफलता भी होगी, आनंद होगा, एक सुरक्षा होगी जीवन में। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास स्पष्टता नहीं है, मेरे पास कार्य नहीं है, फिर मेरे भविष्य का क्या होगा। कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहां पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे वो कार्य जो कि अर्जेंट है, जो अभी करने जरूरी है। दूसरे खाने में आपको वो कार्य रखने हैं जो कि जरूरी है लेकिन अभी करने जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तीसरे खाने में हम रखेंगे कि उन कार्यों को करने में समय कितना लग रहा है और चौथे खाने में हम आपको वो उदाहरण देंगे उन कार्यों से संबंधित कि वो क्या क्या कार्य हो सकते हैं जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब यहीं पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हम आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला, वो कार्य जो अर्जेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और वो समय भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो ऐसे कार्य आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो बहुत ज़्यादा आपके समय को नष्ट नहीं करेंगे। हालांकि अगर इन्हीं कार्यों में आप अपना ज़्यादा समय निवेश करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा समय लगाना शुरू कर देंगे तो ये बाधक हो जाएंगे। ऐसे क्या कार्य हो सकते हैं, उदाहरण के रूप में आप समझें, आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बहुत देर से अपने ऑफिस के कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत देर से अपने व्यवसाय के कुछ कार्य कर रहे हैं, बीच में आपको लगता है कि चलो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मैं कुछ देख लेता हूं, मैं YouTube पर कुछ देख लेता हूं, कोई अच्छे चैनल आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, अच्छी जानकारियां जहां से मिलती हैं, ऐसा कुछ आपने 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देखा, या फिर आपके संबंधी आपके रिलेटिव उनसे संबंधित कुछ भी जानकारी या अपडेट के लिए आपने जैसे देख करके कि कोई संदेश है क्या है वो देख लिया, तो ऐसे कार्य समझो कि आपका ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। आपने 1 घंटे से आप कार्य कर रहे थे, 5 मिनट आपने देख लिया, ज्यादा कोई हानि नहीं है। लेकिन इसी में अगर आप घंटों घंटों फिर किसी से बात करना शुरू करें, हानिकारक हो जाएगा। तो पहली श्रेणी में वो रखा हमने जो कि अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन वो टाइम भी ज्यादा नहीं लेते हैं तो आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे। दूसरे खाने में देखें जो अर्जेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन वो समय ज्यादा लेते हैं आपका, अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन समय ज्यादा ले रहे हैं, ये कार्य वो हैं जो कि आपको भारी हानि पहुंचा रहे हैं, इनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उदाहरण के रूप से आप समझे कि आप घर पे बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, एक के बाद दूसरा सीरियल चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है, घंटों घंटों तक आप टीवी के सामने बैठ करके देखे जा रहे हैं, कुछ नया सीखा नहीं गया वहां पर, वहां कोई नए संस्कार नहीं बने और समय भारी मात्रा में वहां पर नष्ट हो गया। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो इसको तुरंत आपको छोड़ देना होगा, आप दूरी बना लें इन सब चीजों से जो कि आपके घंटों को नष्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, ये चीजें नहीं करनी है, ये जीवन से पूरी तरह से हटाना है। तो दूसरे खाने में वो जो पूरी तरह से हटाना है बड़ा हानिकारक हो सकता है। तीसरे खाने में आप रखते हैं जो कार्य अर्जेंट नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है और वो
टाइम भी ज्यादा लेते हैं, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, समय ज्यादा लेते हैं। ऐसे कार्य ही आपको विकसित करते हैं जीवन में, ऐसे कार्य ही आपको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कार्य क्या हैं? जैसे कि आप व्यायाम कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, घंटों लग रहे हैं लेकिन जरूरी है, आपको करना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं, जरूरी है, समय लगेगा लेकिन यही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। आप अपने व्यवसाय से संबंधित कार्य कर रहे हैं, अपनी नौकरी आदि जो भी करते हैं, पूरी मन से, मनोयोग से उसे कर रहे हैं, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, समय भी ज्यादा लेता है, अर्जेंट नहीं है लेकिन जरूरी है, समय ज्यादा लेता है, करना पड़ेगा और करना चाहिए। और यही वो स्थान है, यही वो समय का हिस्सा है जो कि आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपके लिए अनिवार्य है। तो ये आपको करना है। एक और बात समझ लें, एक कार्य आपके लिए जरूरी है, वो आपने करना शुरू कर दिया तो वो कार्य अब अर्जेंट नहीं होगा। एक कार्य जरूरी है लेकिन आपने लापरवाही कर दी, उसे अभी नहीं किया, तो हर वो कार्य जो कि जरूरी है वो थोड़े दिन बाद अर्जेंट बन जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट कार्य अर्जेंट बन जाएगा। और जब वो अर्जेंट हो जाएगा तो आपको दूसरे सब कार्य छोड़ करके उसे करना पड़ेगा। आपके मन पर, मस्तिष्क पर एक दबाव बन जाएगा कि ये तो बहुत जरूरी, अभी करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। ये भार है। ये भार क्यों आया? क्योंकि समय रहते आपने उस कार्य को नहीं किया। जब ठीक समय था, जब वो करना चाहिए था, तब नहीं किया। वो ऐसी बाध्यता आपके ऊपर लेकर के आ गया कि आपको अब उसमें ही पूरा समय अपना झोंकना पड़ेगा, दूसरे कार्य भी, अव्यवस्था भी आ जाएगी जीवन में। और ऐसा ही हम अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में देखते हैं कि वो जरूरी कार्यों को ठीक से करते नहीं, फिर वो इतनी बाध्यता बन जाती है और वो अपने ऊपर भार इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये वो तीसरा खाना है जो कि आपको आगे बढ़ाएगा। अब चौथे स्तर पर हम समझते हैं, चौथे स्तर पर आप उन कार्यों को रख सकते हैं जो कि अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हैं लेकिन समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। ऐसे कार्यों को भी आपको करना चाहिए। ऐसे कार्यों की श्रेणी में आएंगे जैसे आपने अपने किसी मित्र से बात बहुत दिन से नहीं की, अगर आप बात करेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, थोड़े समय तक बात कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स, माता पिता, आप उनसे बात करें, वो ज़रूरी है, समय ज़्यादा नहीं लेता है, 5 मिनट 10 मिनट अब बात करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, आपकी कुशल क्षेम वो जानना चाहते हैं, आप ठीक हैं नहीं, या फिर वो ठीक हैं नहीं, आप उनसे पूछेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। जरूरी है, समय ज्यादा नहीं लेता है, अर्जेंट नहीं है, करेंगे तो अच्छा है। ऐसे कार्य आपके दायित्व के अंतर्गत आते हैं। यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये कार्य भी आपको जरूर करने चाहिए। तो चौथे स्तर पर जो हमने देखा, करने चाहिए। उससे आगे बढ़ते हुए अगर हम पांचवें तल पर बात करते हैं तो ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं जो कि अर्जेंट भी होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी होती हैं और जो समय भी ज्यादा लेती हैं, लेकिन ये भी हमें करना पड़ता है। ऐसी क्या स्थितियां होती हैं? ऐसी होती हैं कोई व्यवसाय में बाधा आ गई, कोई बड़ा घाटा हो गया, नुकसान हो गया, कोई आपके परिवार का सदस्य भारी बीमार हो गया, आप भारी बीमार हो गए, अर्जेंट है, अभी इलाज कराना पड़ेगा, अर्जेंट है, अभी व्यवसाय की स्थितियों को देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका जीवन, आपका भविष्य उन पर टिका हुआ है, समय भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये स्थितियाँ वो हैं जिनमें से आप बच नहीं सकते। यहाँ पर भी आपको अपना समय देना ही देना पड़ेगा। तो इन स्थितियों में भी कोई विकल्प नहीं, समय देना है। आप अपने समय को ठीक से अगर व्यवस्थित करें, जो हमने पहले आपको बताया, तीसरे स्थान पर जो हमने कहा वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट है और जो समय ज़्यादा लेते हैं उनको किया जाए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, व्यवसाय के प्रति सजग रहा जाए, हर स्थिति पर ध्यान दिया जाए, तो ऐसी स्थितियां बनने की संभावना कम रहेगी। तो ये अगर कर लिया तो इस स्थितियों से बचा जाता। लेकिन अगर फिर भी ऐसी स्थितियां आ ही जाती हैं तो फिर कोई विकल्प नहीं है, इनमें आपको लगना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ते हुए अंतिम स्थान पर अगर हम बात करते हैं, वो कार्य जो कि अर्जेंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं और टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, ऐसे कार्य कौन से होते हैं? जैसे आपके व्यवसाय से संबंधित आपके क्लाइंट्स हैं, आपके काम से संबंधित जुड़े हुए कोई लोग हैं, अगर आप उनके जन्मदिवस पर, अगर उनके परिवार में कोई खुशी का मौका है, या फिर वो व्यवसाय में प्रगति कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनसे थोड़ी बात की, उन्हें अच्छा अनुभव हुआ, ऐसे कार्य भी आप जरूर करें, उनसे भी आपको निश्चित रूप से लाभ है, आपकी प्रगति का आधार बनते हैं ऐसे संबंध जो कि आप सामाजिक स्तर पर बनाते हैं। तो सामाजिक स्तर पर संबंध अच्छे बनाना, ये भी एक सामाजिक व्यक्ति की जो इस परिवेश में रह करके आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए जरूरी है। तो ये एक समझें आपके एक विधि है,
एक विधान है जहां पर आप समय को अलग 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 टुकड़ों में बांट लेते हैं। और जब आपके पास मेजरमेंट होता है, जब आपके पास ये पता होता है कि समय जा कहां कहां रहा है, तो आपके पूरे नियंत्रण में होती है ये बात कि कहां समय को अधिक निवेश किया जाए, कहां से समय को बचा करके दूसरे खाने में रखा जाए, दूसरे कामों को दिया जाए। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि समय जा कहां रहा है। और ये जो मॉडल है, ये जो तरीका है, ये जो सारणी है, ये आपको यही बताएगी कि समय को ऐसे बांटो और इसका ऐसे प्रयोग करो। इस तरह से समय को बांटा जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके कार्य की गुणवत्ता बढ़ गई, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। प्रेशर नहीं है अब जो जरूरी कार्य है उनको समय पर आप खत्म कर रहे हैं। जो आप निरंतर घंटों घंटों टीवी के सामने बिता रहे थे, वो आपने पूरी तरह से छोड़ दिया। अगर आप बीच में कभी कोई सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, इंटरनेट पर कुछ कार्य देख रहे हैं आप, तो उसको भी आप सीमित कर सकते हैं, बस 5 मिनट से अधिक नहीं दूंगा। आपने ये पूरी व्यवस्था अगर कर ली तो आप समझे, चाहे विद्यार्थी हैं, कोई भी व्यवसायी हैं, कोई भी कार्य करते हैं, समय की व्यवस्था रखना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। और इसको अगर आपने बना लिया, इन नियमों को बना लिया, तो आपको फिर कोई बाधा नहीं आएगी, निर्बाध रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तो हमें बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हुए, हमें बहुत सारे ऐसे भाव मिले कि हमारे समय का हमें पता ही नहीं चलता कहां जाता है, कैसे छोटी छोटी चीजों में लोग इतना कुछ कर लेते हैं इसी समय में। सबके पास ही 24 घंटे हैं, 1 मिनट अधिक नहीं है। हम आपके साथ यहां इस चैनल पर भी निरंतर जानकारियां साझा करते हैं, आपके प्रश्नों को भी देखने की कोशिश करते हैं, सनातन हठयोग पर भी आपका मार्गदर्शन करते हैं, इंस्टाग्राम हमारी योगी वरुणानंद ऐप पर भी हम सक्रिय रहने का प्रयास करते हैं। हम अपने सामाजिक कार्यों को, आध्यात्मिक प्रगति को भी और अपने लिए भी समय निकालते हैं, अपने स्वास्थ्य और दूसरे कार्यों के लिए भी। सभी कुछ कैसे हो पाता है? समय का ठीक बंटवारा, और कोई विकल्प नहीं, कोई तरीका नहीं। इसको अगर कर लिया, इसको अगर समझ लिया, तो देखेंगे जीवन में आपके भी बड़े और सुंदर बदलाव होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो हमारी आपके लिए यही प्रेरणा है कि इसको धारण करें, जीवन में आगे बढ़ें, समय की व्यवस्था रखें, क्योंकि समय ही ऊर्जा है, समय ही जीवन है, और समय से ही सब कुछ बंधा हुआ है। आज के लिए आपके लिए यही हमारी प्रेरणा और यही हमारा संकेत था। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।